CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम चींटी। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों एक दिन मालूम है क्या हुआ? अरे जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे रास्ते में बड़ी प्यास लगी। सामने ही बबलू का घर था। मैंने सोचा क्यों ना वहीं से पानी पीकर चलूं। तो बस मैं बबलू के घर गया और उससे पानी मांगा। बबलू ने कहा, पोपटलाल भैया लो पहले गुड़ खा लो फिर पानी पीना। तो दोस्तों मैंने उससे गुड़ ले लिया और खाने लगा। थोड़ा सा गुड़ जमीन पर गिर गया। थोड़ी ही देर में हमने क्या देखा कि गुड़ के चारों ओर चींटियां ही चींटियां हो गई हैं। तभी बबलू के पैर के नीचे कुछ चींटियां दब गईं। उनमें से एक चींटी बबलू के पैर पर चढ़ गई और उसे काट लिया। उई! उसने चींटी को हाथ से पकड़कर उठा लिया। अरे दोस्तों तभी चींटी बोल उठी, अरे 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 भैया अपनी उंगलियों को इतना मत दबाओ कि मेरी जान ही निकल जाए। फिर तुमने मुझे काटा क्यों? इसलिए कि तुमने हम चींटियों पर पैर रखा। तुम्हारे पैर के नीचे कितनी चींटियां दब जाती। हम चींटियां हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। परिवार? हाँ परिवार जो एक ही घर में रहते हैं। तो क्या हमारी तरह तुम्हारा भी घर होता है? हाँ जमीन में हम अपना घर बनाती हैं। वो देखो वो छेद वो दिख रहा है ना? वही है हमारा घर। लेकिन भाई चींटी इस छेद के अंदर तुम कहाँ रहती हो? अरे इस छेद के भीतर एक बहुत बड़ी बस्ती है, समझे? आने जाने के रास्ते हैं, रहने के घर हैं, कमरे हैं, जिनमें खाना इकट्ठा करते हैं। और बरसात के दिनों में घर के दरवाजों को हम मजबूती से बंद भी कर देती हैं। पर तुम्हारे ये छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुंह और काम इतने बड़े बड़े। हाँ हम अपने इन छोटे छोटे हाथ पैर और मुंह से बड़े बड़े काम करती हैं। अपने से बड़ी चीज को भी खींच कर ले जाती हैं। अरे भैया अब छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो, मुझे बहुत काम करने हैं, नहीं तो हमारी रानी हमसे नाराज हो जाएगी। क्या तुम्हारी रानी भी होती है? हाँ भाई हमारी रानी भी होती है। जैसे जब तुम अपनी माँ का काम नहीं करते तो वो नाराज हो जाती है, वैसे ही जब हम रानी का काम नहीं करते तो वो भी हमसे नाराज हो जाती है। अच्छा पर एक बात बताओ, रानी के अलावा और कौन सी चींटियाँ होती हैं? अरे भाई हमारी रानी भी होती है, सैनिक चींटियाँ भी होती हैं और सेवक चींटियाँ भी होती हैं। रानी चींटी, सेवक चींटी, सैनिक चींटी, लेकिन तुम सब खाना बटोरने के अलावा काम ही क्या करती हो? नाम तो तुमने गिना दिए इतने सारे। अच्छा तो बबलू एक बात बताओ, क्या तुम्हारे गांव में सब खेती ही करते हैं? नहीं नहीं सब अलग अलग काम करते हैं। इसी तरह हम चींटियों के काम भी बटे रहते हैं। रानी चींटी तो अंडे देती है, सेवक चींटी रानी के अंडों को ले जाकर
ठंडी जगह रखती हैं। फिर उनमें से जो चींटियां निकलती हैं, उन्हें पालती हैं, खाना खिलाती हैं और उनके लिए दूर दूर से खाना खींच कर लाती हैं। और जो चींटियां रानी चींटी की सेवा करती हैं, वे सेवक चींटियां कहलाती हैं। तो तुम कौन सी चींटी हो? अरे मैं सैनिक चींटी हूँ, सैनिक चींटी, बहादुर सैनिक चींटी। जानते हो हम सैनिक चींटियों का काम क्या है? हमारा काम है रक्षा करना। सैनिक चींटियां सेवक चींटियों के काम में मदद करती हैं, उन्हें रास्ता बताती हैं, उनकी रखवाली करती हैं। और इतना ही नहीं, सैनिक चींटी दूसरे कीड़े मकोड़ों से अपने बिल की रक्षा भी करती हैं, उन्हें निकालकर बाहर करती हैं। अरे भाई, बातें करते करते इतनी देर हो गई। अब मुझे छोड़ दो भैया। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हारी कभी मदद करूंगी। अच्छा तो लो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब तो हम तुम दोस्त हो गए है ना? पर चींटी, तुम मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ भैया, जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जरूर मिलूंगी। होती चींटी छोटी चींटी मोटी चींटी, तरह तरह की होती चींटी छोटी चींटी मोटी चींटी, लाल लाल और काली चींटी मीठे कीमत वाली चींटी, लाल लाल और काली चींटी मीठे कीमत वाली चींटी। तो दोस्तों, अभी तुमने बबलू और चींटी की बातें सुनी। तुम सोच रहे होगे कि चींटी भला बबलू की मदद कैसे कर सकती है? अरे भाई, ये बात नहीं है। चींटी अपने मदद करने वाले को हमेशा याद रखती है और मुसीबत में मदद भी करती है। तुमने चींटी और कबूतर की कहानी सुनी है? अरे वही, जब एक बार एक चींटी नदी में गिर गई और पानी में बहने लगी। वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तभी एक कबूतर ने चींटी को पानी में बहते देखा। उसने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई। पत्ता बहते बहते किनारे पर आ लगा। इस तरह चींटी की जान बच गई। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उधर एक शिकारी आया। उसने कबूतर को मारने के लिए तीर का निशाना साधा। चींटी ने देख लिया और वो झटपट समझ गई कि शिकारी कबूतर का शिकार करना चाहता है। बस उसने दौड़कर शिकारी के पैर में काट लिया। और जैसे ही चींटी ने शिकारी के पैर में काटा, शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर फिर से उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा दी। तरह तरह की होती चींटी छोटी चींटी मोटी चींटी, तरह तरह की होती चींटी छोटी चींटी मोटी चींटी, लाल लाल और काली चींटी मीठे कीमत वाली चींटी, लाल लाल और काली चींटी मीठे कीमत वाली चींटी। देखा दोस्तों, चींटी अपने मददगार को हमेशा याद रखती है। यही नहीं, चींटी बड़ी अक्लमंद भी होती है। बरसात आने के पहले ही वो अपने घरों में ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लेती है।
इस बात पर मुझे मक्खी और चींटी की कहानी याद आ गई दोस्तों। एक बार की बात है, एक थी चींटी और एक थी मक्खी। चींटी सारा दिन मेहनत करती, अपना खाना जगह जगह से ढूंढ ढूंढ कर बिल में इकट्ठा करती, लेकिन मक्खी कभी मेहनत नहीं करती थी। जब भूख लगी खाना खा लिया और फिर आराम किया। चींटी को सारा वक्त काम करते देख वो बड़ी हैरान होती। एक दिन मक्खी चींटी से बोली, बिन 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 बिन, तुम चींटी दिन रात इतनी मेहनत करती हो, इतना छोटा सा तुम्हारा पेट है उसे भरने के खातिर सुबह से शाम तक खपती हो। मुझे देखो, भिन 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 मक्खी रानी, मैं हरदम करती मनमानी, तुम क्यों मेहनत करती हो, मस्त नहीं क्यों रहती हो? अरे मक्खी बहन, मेहनत का फल ही मीठा होता है। अगर मैं मेहनत करती हूँ तो अपने आराम के लिए ही, आने वाली कल की चिंता तो तुम्हें भी करनी चाहिए। कल की चिंता करने वाली इसीलिए तुम दुबली काली, कल की चिंता करने वाली इसीलिए तुम दुबली काली। चलो मैं काली ही सही, जब बरसात का मौसम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। जब वर्षा का मौसम आया तो मक्खी बड़ी परेशान हुई। अरे उसके पास खाना ही नहीं था। चींटी ने तो सूझबूझ और मेहनत से अपने बिल में खाना इकट्ठा कर लिया था, इसलिए वो तो आराम से अपने घर में बैठकर खाना खाती रही। एक दिन बरसात के मौसम में मक्खी जब अपना खाना ढूंढने बाहर निकली तो बारिश में भीग कर वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठी। की होती चींटी छोटी चींटी मोटी चींटी, तरह तरह की होती चींटी छोटी चींटी मोटी चींटी, लाल लाल और काली चींटी मीठे कीमत वाली चींटी, लाल लाल और काली चींटी मीठे कीमत वाली चींटी। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।